यूक्रेनिया के मुद्दे पर यूरोप और रूस के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। यूरोप के कई देशों को लगने लगा है कि पुतिन ने जानबूझकर यूरोप में गैस की किल्लत पैदा की है। यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक से ठीक पहले हो रही बयानबाजी किसी बड़े फैसले का इशारा समझी जा रही है, क्योंकि यूरोप ने मान लिया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई में आई कमी अचानक हुई घटना नहीं है। यूरोप के देशों को लगता है कि गैस की सप्लाई में कटौती तकनीकी खराबी की वजह से नहीं हुई, बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल है। खुलकर रूस भी गैस की कटौती पर कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि लिथुआनिया समेत नेटो और यूरोप को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। एक दिन बाद ही यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रूस पर प्रतिबंधों के नए पैकेज का ऐलान हो सकता है। बैठक से ठीक पहले जर्मनी का रूस पर कड़ा रुख, रूस की तरफ से गैस की कटौती, लिथुआनिया का आक्रामक रुख और कैलिनिनग्राद पर रूस की चेतावनी, यूरोप में किसी बड़ी घटना की बुनियाद हो सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा संकेत है जर्मनी की छटपटाहट। क्योंकि जर्मनी फिलहाल गैस की सप्लाई में आई कटौती की वजह से परेशान है। जर्मनी ने 24 फरवरी के बाद से ही रूस पर कभी भी इतने कड़े हमले नहीं किए जितने वो अब कर रहा है, बल्कि जंग के शुरुआती दिनों में जर्मनी यूरोप का अकेला ऐसा मुल्क था जो रूस पर नरमी दिखा रहा था। यहां तक कि गैस की सप्लाई से जुड़ी शर्तों में भी पुतिन ने सिर्फ जर्मनी को कुछ रियायतें दी थी, लेकिन अब जर्मनी के वित्त मंत्री ने बयान दिया कि पुतिन पूरे यूरोप में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई कम की गई है। जबकि रूस लगातार दावा कर रहा है कि गैस की सप्लाई में कटौती केवल तकनीकी कारणों से हुई है। अब तो जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और हॉलैंड भी खड़े हैं। तीनों देश जानबूझकर गैस की सप्लाई कम करने वाली थ्योरी को सही मानते हैं। तीनों ही देशों ने नेचुरल गैस की खपत कम करने के लिए कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। हालांकि रूस की तरफ से ये जर्मनी पर दबाव बनाने की एक तरकीब भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के बाद एक और पाइपलाइन बनाई गई थी जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। समुद्र में बिछाई गई ये एक ऐसी पाइपलाइन थी जिसके जरिए रूस यूरोप तक गैस की सप्लाई दुगनी करने वाला था। गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह तैयार है और फरवरी में ही इसे शुरू भी किया जाना था, लेकिन यूक्रेन में छिड़ी जंग की वजह से हालात बदल गए। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू करने से इनकार कर दिया था। पाइपलाइन पूरी तो हो गई थी, लेकिन जर्मनी ने इसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी के सामने भी दिवालिया होने की नौबत तक आ गई थी, लेकिन सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ था रूस के सामने, जिसका गैस का पूरा गणित ही बिगड़ गया था। माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई कम करना पुतिन का नया प्रेशर गेम हो सकता है। ऐसा प्रेशर गेम जिसमें फंसकर जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 को शुरू करने पर विचार करना शुरू कर दे। खबर है कि गैस सप्लाई में हुई कटौती के बाद से ही जर्मनी समेत यूरोप के कई देश परेशान हैं। उन्हें चिंता इसलिए सताने लगी है क्योंकि सर्दियां आने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस और यूरोप के बीच में बना तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से या तो यूरोप घुटने टेक देगा या फिर कोई बड़ी जंग शुरू होगी, जिसकी चेतावनी भी रूस लगातार दे रहा है। लगातार रूस यूरोप को यह एहसास भी करवा रहा है कि पुतिन की मेहरबानी के बिना सर्दियां काटनी मुश्किल है, इसीलिए कैलिनिनग्राद तक सप्लाई में रोड़ा अटकने के साथ ही यूरोप में एक नई जंग छिड़ गई। रूस के लिए लिथुआनिया का कदम सीधी चुनौती से कम नहीं है। ऊपर से लिथुआनिया नेटो का सदस्य है। अगर लिथुआनिया को रूस ने छेड़ा तो जंग बड़ी होगी, जिसमें नेटो भी शामिल होगा। माना जा रहा है कि बड़ी जंग से पहले रूस की कोशिश यूरोप को डराने की है। वो गैस का इस्तेमाल यूरोप को धमकाने के लिए करने वाला है। दूसरी तरफ यूरोप को यह भी एहसास कराने वाला है कि पाबंदियों का असर रूस से ज्यादा यूरोप पर ही होगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि एक दिन बाद यूरोपियन यूनियन प्रतिबंधों के नए पैकेज पर फैसला करेगी। वहीं जर्मनी ने मदद के तौर पर यूक्रेन को हथियारों की पहली बड़ी खेप भेजी। रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की ने यूरोप के सभी देशों से ज्यादा हथियारों की डिमांड की थी, जिसे देखते हुए जर्मनी ने अपनी घातक PH-2000 होविट्जर की बड़ी खेप यूक्रेन को दी है, ताकि वो रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दे सके। इसके साथ ही जर्मनी ने यूक्रेन को यह भरोसा दिया कि वो आने वाले दिनों में उसे खतरनाक मिसाइलें और रडार सिस्टम भी देगा। असल में जर्मनी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो यूक्रेन से वादे तो करता है, लेकिन आज तक उसने बड़ी संख्या में हथियार कभी दिए नहीं। लेकिन यूक्रेन को PH-2000 होविट्जर देकर जर्मनी ने इन आरोपों पर विराम लगाने की कोशिश की है। इस होविट्जर के बारे में कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है और महज 9 सेकंड में 3 गोले दागकर दुश्मन को तबाह कर सकती है। यानी पुतिन के सैनिकों को अब जर्मनी की इस घातक होविट्जर का भी सामना करना पड़ेगा।